बात कर रहे हैं मरवाही से। मरवाही रवाना होने से पहले रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने पिछले 18 महीनों में विकास के नए कीर्तिमान बनाए हैं। पिछले 15 सालों से मरवाही के विकास की अपेक्षा थी, लेकिन वहां कोई विकास नहीं हुआ। हमारे कार्यकाल में वहां बहुत तेजी के साथ निर्माण कार्य हो रहा है। हमारी तमाम योजनाएं, ऋण माफी, 2500 रुपए में धान खरीदी, आदिवासियों को पट्टा और इन सभी योजनाओं से पूरे प्रदेश में एक अच्छा वातावरण है। कोरोना वायरस में भी हमारी सरकार ने लोगों के साथ मिलकर जो काम किया है वो देश प्रदेश के सामने एक उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है कि 3 तारीख को मरवाही में जो मतदान होगा उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी को ही जीत मिलेगी। पूरे प्रदेश में एक अच्छा वातावरण है। कोरोना महामारी में भी हमारी सरकार ने लोगों के साथ मिलकर जो काम किया है वो देश के सामने उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है कि 3 तारीख को जो मतदान होगा उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मरवाही उपचुनाव में अमित जोगी के नामांकन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मरवाही आरक्षित विधानसभा है जिसमें वही चुनाव लड़ सकता है जो आदिवासी हो। अब जिसके पास जाति प्रमाण पत्र होगा वही चुनाव लड़ेगा। ये सारी व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है। इसमें किसी को रोकने का या किसी को छूट देने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, न ही हम लोग उस दिशा में कोई काम कर रहे हैं। हम की कीमत अलग है, नामिशन फाइल करते हैं कीमत अलग है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उसके लिए अलग दर है। तो वो सारी व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है और उसके तहत ही चुनाव होगा। और इसके बाद मुख्यमंत्री